जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जो कलाकारों से मुलाकात कर ली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अररिया जिला में, और मैं जिससे आपको मिलाने जा रहा हूं ये शख्स है, सिंटू स्वराज की टीम है, जो कि कॉमेडी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, बहुत ही अच्छा कॉमेडी करते हैं। इसकी टीम में बूढ़ी दादी भी रहती है और बूढ़े दादा भी रहते हैं। अफसोस की दादा भी बूढ़े नहीं है, दादी रहती है, बेइम्तहान नहीं, बहुत ही अच्छा कॉमेडी करते हैं। आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इन लोगों की कॉमेडी की शुरुआत, जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी पब्लिक सपोर्ट के सभी दर्शकों का भी स्वागत है, थैंक यू दिल से भी। ये बताइए आप लोगों की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई है। ये हम लोग का जर्नी का शुरुआत हुआ कि शुरू से हम लोग का था कि हम लोग को सोशल मीडिया पर जाना है। हाँ हाँ। और उसके बाद दर्शकों को अपना गांव के हालत और जो गांव में बीतता है उसे दिखाना है। अब तक में कितने वीडियो बना चुके हैं आप? लगभग हजारों वीडियो बना चुके हैं। हजारों बना चुके हैं। कितने वर्षों से लगे हैं? लगभग 3 साल से बना रहे हैं। 3 साल से लगे हुए हैं, 3 साल से लगे हुए हैं, हजारों वीडियो बना चुके हैं। मोटिवेट किन से होकर के इस क्षेत्र में आप आए हैं? मोटिवेट किन्हीं से नहीं हुए, बट अपना खुद का ऐसा था कि हमको कुछ करना है। हाँ, मतलब जन मनुष्य में हुआ तो उसको कैसे जीना है। हाँ, यही हमारे माइंड में चलते रहता था हर वक्त, तो कैसे जीना है इसी सोच के सोचा कि अच्छा होगा कि कुछ मतलब पूरे पब्लिक के दिल में छा जाए। कहते हैं जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जो नौकरी से मुलाकात कर ली। क्या आप लोग को नहीं लगा मुझे नौकरी करना पड़ लिख करके? नहीं नहीं, हम पढ़ाई तो हम लोग जारी अभी तक भी किए हुए हैं। हाँ, हाँ। लेकिन कुछ उनसे कुछ अलग करना चाहते हैं हम लोग। अलग करना चाहते हैं। आपका एजुकेशन क्या है? मेरा पार्ट 1 में बी। आपका पार्ट 1? आपका आपका मेरा भी वही है। क्या बात है, पहले ऐसे टीम मिला जो कि सभी पार्ट 1 में पढ़ाई करते हैं। मस्त जोड़ी है, वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा, मजा आएगा। तो BA पार्ट 1 में आप लोग हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि हमें ये जो चंद डॉलर पाने के लिए अपना जिंदगी बिता रहे हैं सोशल मीडिया में, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप बोले डॉलर की बात, डॉलर ये हमसे पैसा कोई अथी नहीं है, मतलब कोई लोभ ही नहीं है, ये तो हम पब्लिक के सामने आना चाहते हैं, अपना टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, इसको दबाना नहीं चाहते। ये तो पैसे उसे इसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ। हम लोग पैसे मरते ही नहीं है। क्या बात है, मतलब इसमें सोच के बात क्या है? जब पहले जब पैसे पे मरते, 3 साल इतना इसमें बर्बाद नहीं करते हम लोग। क्या बात है, 3 साल से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमें यह बताइए आखिर दुनिया में कोई आदमी काम करता है ना तो किसी से इम्प्रेस होके करता है। आप लोग किन से इम्प्रेस होके इस क्षेत्र में आए हैं? इम्प्रेस हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग शख्स वैसे रुपया वाले ज़्यादा अमीर घराने से नहीं है। हाँ हाँ। हम लोग जैसे पढ़ाई करते हैं। हाँ हाँ। जो अमीर होते हैं वो तो स्ट्रगल करते हैं कोई नौकरी पे। हाँ। तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था, तो 10,000 का फ़ोन लिए। हाँ हाँ। तो उस फ़ोन से हम लोग कॉमिक मतलब कॉमेडी का कुछ चालू किए। हाँ। तो उससे ये हुआ कि हम पब्लिक के बीच में आने लगे और हमारा तस्वीर भी थोड़ा इमेज भी बढ़ने लगा। हाँ, यही चाहते हैं। ये हुआ कि कंटिन्यू 3 साल हम लोग मेहनत करते रहे, तो इधर अब 6 महीने से मेरा वीडियो काफी वायरल होने लगा। कितने इंस्टा पे फॉलोवर आपके हैं? लगभग इतने 50,000 के आसपास। 50,000 है, कितने लोग देखते हैं, कितने व्यूज? मतलब मिलियन में अब देखते हैं, पहले 10,000-20,000 ऐसे, अब करोड़ों में देखते हैं। कौन ऐसा वीडियो है जो आपको टर्निंग पॉइंट ला करके मजबूत कर दिया और आपको हौसले से भर दिया? ये ऐसा कि जैसे कि मंत्र वाले था उसमें। हाँ। कुछ यूनिक, ये भी यूनिक हुआ, जैसे कि ऐसे ढोंगी बाबा सब होते हैं उसी। हाँ। पर हम लोग सोचे क्यों नहीं इस पर निकाल दें। क्या थीम क्या था बताइए जरा सा? ऐसे मंत्र था, बोल रहा था मेरा बाबा आज तो नहीं है। हाँ। तो दूसरे वीडियो में दिखाएंगे वो। हाँ। तो उसमें मंत्र बोल रहे थे, उसी में कुछ यूनिक लगा। लोग देखा वीडियो को? वो वीडियो के नाम से मैं 97 लाख आदमी देख चुका। वो वीडियो देखने के बाद, वायरल होने के बाद कैसा आपको फीलिंग हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेहनत जितना किए तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दी। शोर मचा दिया। ये बताइए अमेरिका के लोग जो है आज पढ़ लिख करके बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाते हैं, लेकिन हमारे भारत के लोग जो है चंद डॉलर पाने के लिए वीडियो बनाते हैं, कहाँ तक सही है? भारत तो छोड़िए, हमारे बिहार
ओह।